बिना ज़्यादा वक्त गवाए हुए सीधा शुरू करते हैं सर फिरा। इसको देखने के बाद सच बताऊं तो मेरा सर फिर गया है। और एक चीज़ के जो हमारे अक्की कुमार है उनसे एक निवेदन है कि प्लीज़ डू समथिंग ओरिजिनल। और कितना मतलब कितने सारे मतलब जो आपको फीडबैक मिलते हुए आए हैं और कितनी फीडबैक्स की ज़रूरत है आपको। सो कोई बात नहीं, मैंने देखा है सर फिरा, ये मूवी कैसी है, क्या आपको ये एंटरटेनमेंट देने वाली है या आपका पैसा वेस्ट करने वाली है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने सूर्याराय पुत्रू देखा है, सूर्या की मूवी, सेम डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर ने इस मूवी को भी बनाया है सर फिरा को, मुझे पता नहीं क्यों बनाया है। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी दिन गायब हो गया उसके पीछे में ये भाई साहब का हाथ होगा, अक्की कुमार का, क्योंकि किसी दिन मैं इनकी ही मूवी देखते देखते मर गया, निपट गया, भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भाई साहब को बस एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई आखिर क्यों मैं मूवी की देखने के लिए बैठा, सेम चीज़ है, सारी चीज़ें सेम चल रही है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा है सूर्याराय पुत्रू उनको बता देता हूँ, एक ऐसे बंदे की कहानी है जो एक सोल्जर से अब बिजनेसमैन बन गया है। उसका सपना है कि एक रुपये में गरीब लोगों को फ़्लाइट की टिकट मिलनी चाहिए और वो कैसे भी करके ये अवेलेबल करवाएंगे। एज अ विलन यहाँ पे अगर देखा जाए जो ऑपोजिट खड़े हैं वो है परेश रावल, वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, उनका एयरलाइंस बहुत अच्छा चलता है। अब वो नहीं चाहते कि इतने सस्ते में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। कहानी सेम चल रही होती है यहाँ पे, बस हीरो और हीरोइन का शक्ल चेंज कर दिया गया है, बहुत सारे मतलब कास्ट है उनके शक्ल चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन परेश रावल वही है, डायरेक्टर वही है, कहानी स्टोरी लाइन सेम है। जिसके वजह से भाई अगर आपने देख रखा है सूर्याराय पुत्रू, मैंने तो ऑलरेडी देख रखा है, मैंने थिएटर में नहीं देखा था, अमेजोन प्राइम पे देखा था, और देखने के बाद से भाई गूज बम लिटरली दे गया था वो। आज भी उसका ट्रेलर देखोगे गूज बम दे करके जाता, दैट एक्सप्रेशन एवरीथिंग यहाँ पे फेल हो जाता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी फैंस को केटर करने की, या फिर जो लोग गाली देते हैं जैसे सलमान के हो गए, अक्षय कुमार के हो गए, कि भाई अगर बुला बोल दिया तो भाई अपना पूरा छा जाते हैं गालियों के बौछार लेकर के। पर रियलिटी जो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई किसी भी एंगल से मुझे वो एफर्ट नहीं दिखता है भाई, कहीं से भी नहीं दिखता है। रीज़न पहला ये हो सकता है कि मैंने सारी चीज़ें देख ली है, मुझे सारे सस्पेंस पता है। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो एयरपोर्ट वाले सीन पे, जहाँ पे वो बंदा जो है अटक जाता है, जा नहीं पाता है, लोगों से गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें मनी ऑर्डर कर दूंगा कैसे भी करके, मुझे बस यहाँ से एक बार जाने दो। कोई नहीं कर रहा होता है ये चीज़, इस पर कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है, रोना आ जाता है, सूर्या की एक्टिंग को देखने के बाद रोना आ जाता है। लेकिन ये भाई साहब जो 30-40 डेज में अपना फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं, ये नहीं दिखा पाते वो चीज़। आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं होता है, वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पाता है। जब एक गूज़बम का बात है, पता है, जब आप वो चीज़ अचीव कर रहे होते हो, मतलब जैसे वो फ्लाइट का दिखाते हैं रियल वाले में, यहाँ पे जब वो अचीवमेंट आता है तो कहीं से भी वो फीलिंग ही नहीं आ रही होती है कि भाई साहब किस तरह से इस चीज़ को पुल अप करना, क्या करने की कोशिश करें, मुझे नहीं पता। पर जो भी है वो मुझे कहीं से भी पैसा वसूल या इंटरटेनिंग नहीं लगता है। अगर आपने सूर्याराय पुत्रू नहीं देखा है, अगर आपने उड़ान मूवी नहीं देखी है, ये मूवी आप पे काम कर जाएगी। पर अभी भी वही बात है, इनके ऊपर से सारे लोगों का विश्वास जा चुका है कि भाई ये एक अच्छी मूवी दे सकते हैं। रक्षाबंधन एक अच्छी मूवी थी, इसके अलावा अपना सेल्फी भी बहुत अच्छी लगी थी भाई मुझे, पर लोगों का रिस्पॉन्स पता है। मिशन रानीगंज, इट वॉज अ नाइस मूवी बॉस, मतलब एक उम्दा तरह से लोगों को इमोशनली अटैच करना होता है ना, वो कर जाता है वीक VFX के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर पे लोग नहीं आ रहे होते। अभी इस मूवी को लेकर के देखते हैं क्या होता है। आप लोग अगर देखे हो तो बताओ आपको कैसा लगा, आप क्या मेरी बातों से एग्री कर रहे हो या नहीं। ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं मैं उस चीज़ों में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी बोलूँगा वो सब कुछ नेगेटिव ही आ रहा होगा, पर मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता किसी भी फिल्म को किसी भी तरह से नुकसान हो। तो जो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन था, जो भी था, वो मैं बता दिया हूँ। इस फिल्म को अगर देने की बात होगी फ्रेश नज़रों के साथ अगर मैं देखूँगा तो हाँ, कहानी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिंग उसके वजह से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। दैट वॉज माई फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज़ डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।